मंगलवार को यानी कि कल के दिन काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन पर उनका ग्रैंड वेलकम होने वाला है और पार्टी की योजना अनुसार बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही मेहंदीगंज ग्राम सभा पर भव्य स्वागत की योजना बनी है। आपको बता दें कि सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेहंदीगंज ग्राम सभा में आगामी 18 जून को किसान सम्मेलन होगा जिसमें 50,000 किसानों की भागीदारी का लक्ष्य है। इसके लिए भाजपा ने व्यापक जन जागरण अभियान चलाया है। शहरी क्षेत्र में पुलिस लाइन से लेकर के दशाश्वमेध तक, एक दशाश्वमेध से लेकर विश्वनाथ मंदिर गेट तक नंबर 4 पूरे यात्रा में पार्टी कार्यकर्ता काशीवासियों संग ढोल नगाड़ा डमरू दल के साथ शंखनाद एवं गुलाब की पंक्तियों की वर्षा करेंगे, अपने प्रिय सांसद का जोरदार स्वागत करेंगे। मंत्री जी के आगमन का प्रोटोकॉल मिला है और उनके लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, सुरक्षा की व्यवस्था जो होती है वो सुरक्षा एजेंसीज तय करती हैं। हमारा पहले से ही बहुत ही उच्च स्तरीय सुरक्षा घेरे वाला परिसर है और जो अंदर रिचुअल्स की व्यवस्था होती है, साज सज्जा की व्यवस्था होती है, इस बारे में भी मैं कहूँगा सुखद आश्चर्य है कि इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री आए थे जब चुनाव प्रक्रिया के दौरान, तो उस समय गंगा सप्तमी का उत्सव था, तो त्रिदिवसीय उत्सव हमने मनाया था क्योंकि गंगा जी का घर काशी में है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। तो 3 दिन के लिए मंदिर की विशेष साज सज्जा की गई थी और यह भी एक सुखद संयोग है कि अभी कल गंगा दशहरा था, गंगा दशहरा पर ही मंदिर की विशेष साज सज्जा कराई गई है जो 3 दिन तक रहेगी। त्रिदिवसीय उत्सव यह भी मनाया जा रहा है और उसी की अवधि में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, तो सारी विशेष साज सज्जा की गई है। मंदिर को पहले से बहुत सजाया गया, स्वच्छता का हम लोग ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो दर्शन में, उनका अनवरत और निरंतर दर्शन का क्रम चलता रहे। मंत्री जी के आगमन का प्रोटोकॉल मिला है और उनके लिए